हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन होता है? देखिए, लाल रक्त कोशिका होता है, श्वेत कोशिका होता है, रक्त बिंबाणु होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को जो थक्का बनाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो रक्त बिंबाणु के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या ग्रसनली में? पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होती है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है कहाँ होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों से स्राव को क्या कहते हैं? मतलब छोटी आंत के दीवार में जो पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं, या फिर सकस एंटीरिक्स कहते हैं, या जठर रस कहते हैं, या ए पी दोनों होगा? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? आंत रस भी पाया जाता है और सकस एंटीरिक्स भी पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर है, ए और बी दोनों। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, इसका आप लोग आंसर दीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, तो एक वयस्क के मन कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं? ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। 28 होते हैं, 30 होते हैं, या 32 होते हैं, या 34 होते हैं? तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 32 दांत होते हैं। कितने दांत? 32 दांत होते हैं। आगे देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली का जो हृदय रहता है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या केवल एक? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? चलिए, तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। आगे देखिए छः नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद कलिका पाई जाती है। स्वाद कलिका जो है वह कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, या जीव के ऊपरी सतह पर, या अग्नचवर्णक के ऊपर, या फिर ग्रस नली के भीतरी दीवार पर? तो अग्नाशय की कलियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं? तो स्वाद कली जो है वह कहाँ पर पाया जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो यह जीभ के ऊपर पाया जाता है। जैसे कोई चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, स्वाद जब लेते हैं तो कहाँ पे? जीभ पे रख के लेते हैं। आगे देखिए सात नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, या फुंडिक, या फिर कॉर्डियक, या एपिग्लोटिक्स? तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। आठ नंबर क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, या ग्रहणी, या अग्नाशय? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है वह ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है। सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? स्थानांतरण या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। तो जो क्या रहते हैं, सजीव वस्तु रहते हैं वह क्या करते हैं, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं, श्वास भी लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के भी क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या चीज होगा, जैसे सजीव जो के मुख्य लक्षण पूछ रहा, तो सजीव के मुख्य लक्षण श्वसन होता है, जिसके पास क्या होता है, श्वास। तो श्वसन क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे पेड़ पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और स्थानांतरण भी होता है, लेकिन मुख्य लक्षण पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। चलिए आगे आइए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना हो को क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, कोलन कहते हैं या एपिडिक्स कहते हैं। सिक्कम, स्पेक्ट्रम, कोलन या एपेंडिक्स, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, सिक्कम कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, तो सिक्कम। आगे आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पचने में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, पीत रस की, अग्नाशय रस की, आंत रस की या इनमें से सभी। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, इनमें से सभी की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है, तो इनमें से सभी की भूमिका होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय में अपचे भोजन के लेई की तरह के तरह स्वरूप को क्या कहते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं या चाइल कहते हैं या काइलो माइक्रोन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़ हो गया, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कायम कहते हैं। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, मतलब निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम या बी और सी दोनों। तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो अमोनिया। कौन बनता है, अमोनिया जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन है श्वापोषी के लिए आवश्यक है, श्वापोषी के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो श्वापोषी के लिए आवश्यक क्या है, तो श्वापोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। क्या है, इनमें से सभी जो है आवश्यक है, किसके लिए, तो श्वापोषी के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों रही, और जो भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़, 15 नंबर है चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में या कोलन में या रेक्टम में। तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है, तो चाइल का अवशोषण जो है वह इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो है अवशेषी अंग है, सिक्कम, एपेंडिक्स, जेजुनम या कोलन। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या है, एपेंडिक्स हो जाएगा। क्या है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना जो है अवशेषी अंग है, मतलब यह अवशेषी अंग कौन है, तो एपेंडिक्स। एपेंडिक्स जो है क्या है, अवशेषी अंग है। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।
चलिए देखिए 17 नंबर है, दांत अस्थि क्षय कारण है, दांत का अस्तित्व का क्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना या दांतों की सफाई ना करना या इनमें से सभी। तो चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो बैक्टीरिया द्वारा क्या है? अम्ल का निर्माण करना, बैक्टीरिया द्वारा जो है अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद है मीठे चीज़ों का खाने से भी दांत का क्या होता है? अस्थित होता है। फिर दांतों की सफाई अगर जो कोई व्यक्ति ना करता है तो उसके लिए भी होता है। तो इसका आंसर मतलब तीनों है, तो यहाँ डी में क्या आपको दिख रहा है, इनमें से सभी कर देना। ये 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 18 नंबर है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन के ऊपर जो है दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, इनामेल, कैनाइन, दंत प्लांक या मोलर। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या है? इनामेल कहते हैं उसको। आगे आइए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका का मुख द्वार द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा या कुटपाद द्वारा। तो अमीबा में मतलब पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कोशिका के मुख द्वार द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कोशिका के मुख द्वार द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है या क्लोरोफिल है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई को क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? मतलब ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद जो होता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पादन होता है? तो ऑक्सीजन का। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वापोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी सम पोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण को क्या कहते हैं? तो प्राणी सम पोषण कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़ को, तना को, पत्ती को या स्टोमाटा को या हरित लवक को। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह कौन है? पत्ती है। पत्ती को जो है, पत्ती नहीं, हरित लवक क्या है? हरित लवक को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्ती कि देखो क्लोरोफिल पूछेगा कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है, तो पत्ते में पाए। और पत्ते का रंग जो है हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पूछे प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो हरित लवक हो जाए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में झट्ठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है? भित्तीय कोशिका या जाइमोजिन कोशिका या म्यूकस कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? भीतीय कोशिका। कौन कोशिका? तो भीतीय कोशिका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन आइए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है?
उत्पाद द्वारा, सीलियम द्वारा, या भोजन रसदानी द्वारा, या पीना साइट के द्वारा। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या है, उत्पाद के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ते हैं, एमिनो अम्ल के रूप में, बसा अम्ल के रूप में, या पॉलीपेप्टाइडस के रूप में, या न्यूक्लियो पेप्टाइडस के रूप में। तो इसको जो जोड़ते हैं किस कौन से रूप में जोड़ते हैं, तो एमिनो अम्ल के रूप में जोड़ते हैं। कौन सा रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका के कौन से भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, या जीव द्रव में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, तो इसका आंसर जीव द्रव हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो जीव द्रव में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी होती है, किस छिद्र के द्वारा, निगल द्वार के द्वारा, कंठ द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या है, निगल द्वार के द्वारा जो है क्या हुआ, जुड़ा हुआ रहता। आगे आइए 30 नंबर क्वेश्चन कि अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, या फिर डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, या बैक्टीरिया, या इनमें से सभी। आप लोग इसका आंसर दीजिए और सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी जो हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, सभी के पास आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सभी में एक बार वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब सभी के द्वारा अमीबा क्या करता है, मुख्य भोजन है, मतलब अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, या छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग जो है वह किसका है, तो छोटी आंत का, किसका है, छोटी आंत का जो है कौन है, ग्रहणी भाग है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 32 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं, उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, या स्वपोषण। तो वह उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वृद्धि जनन के लिए क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, या शरीर की वृद्धि, या टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में जो है बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। इसका आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्ता में होता है, किस में होता है, पत्ता में। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg, या 40 mg। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है, तो यूरिया की समान मात्रा जो होता है वह कितना होता है, तो यूरिया की जो समान मात्रा होता है वो कम से कम जो है 20 mg होता है। कितना mg, तो 20 mg जो है समान मात्रा होता है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होता है, जब श्वसन क्रिया होता है तो कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में क्या होता है, निष्कर्षित होता है, 20%, 40%,
60%, 80%। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज होगा, 20% हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्यों आइए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण या फिर बाष्पोत्सर्जन। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, पोषण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं या उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का जो उत्पादन करता है उसको श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों की क्रिया क्या है, अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? तो सभी जीवों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ना ही बाष्पोत्सर्जन होता है, और सभी जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया जो है अगर जो कोई जीव में नहीं होगा तो क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या चीज होगा, श्वसन की क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव देख लिए, कल इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव फिर उसमें देखेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।